जय श्री कल्कि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2025 में कल्कि सेना के सभी सदस्यों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। दायित्व से लदे रहेंगे कल्कि सेना के सदस्य। क्या आप भी हैं उनमें शामिल? कैसे करें चेक खुद को? 2025 बस अब शुरू होने ही वाला है। गिने चुने दिन बच गए हैं, लेकिन उन गिने चुने दिनों में भी अब भी खेल बाकी है। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े बदलाव अब भी होना है, जिसकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है। लेकिन 2025 युग परिवर्तन का एक नया अध्याय होगा, एक ऐसा साल जो लोगों के मस्तिष्क पर अविस्मरणीय यादें छोड़ जाएगा। जिस प्रकार की कोरोना काल न आज लोग भूले हैं न कभी लोग भूलेंगे, यानी ऐतिहासिक समय, ये भी एक 2025 ऐसा समय होगा जिसमें युग परिवर्तन के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भगवान कल्कि के साथ उनकी कल्कि सेना, सभी देवी देवतागण, ऋषि मुनि जो ज्ञान गण से उतर चुके हैं धरा पर भक्तों की रक्षा के लिए, क्योंकि भक्तों को होने वाली है पीड़ा 2025 में, जब प्राकृतिक आपदाएं आएंगी एवं मैन मेड डिज़ास्टर यानी ऐसे वायरस छोड़ना जो कि लोगों को बीमार करे, जिस प्रकार की चाइना के ऊपर आरोप लगा था कि कोरोना का वायरस ये नेचुरल नहीं था, इसको छोड़ा गया था। तो इसी प्रकार से आने वाले समय में 2025 में मैन मेड डिज़ास्टर, जिसको युद्ध भी कह सकते हैं, जी हाँ, युद्ध के कारण भी लोग बहुत ज़्यादा दुख पाएंगे क्योंकि नुकसान होगा। तो मैन मेड डिज़ास्टर और नेचुरल डिज़ास्टर के बीच भगवान कल्कि अपनी कल्कि सेना के प्रत्येक सदस्य को दायित्व सौंपेंगे। किस प्रकार का होगा वो दायित्व मैं आगे बतलाऊंगी, लेकिन चेक कैसे करें कि आप भी हैं शामिल कल्कि सेना में, क्योंकि कल्कि सेना में केवल 33 कोटि देवी देवतागण, 8 इमॉर्टल्स, ज्ञानगण से उतरी पुण्यवान आत्माएं, अमर आत्माएं, ऋषि मुनियों की नहीं होंगी, बल्कि इसी धरा से चुन लिए जाएंगे वो आत्माएं, चुनी जाएंगी वो आत्माएं जिन्होंने अब तक अपना जीवन बहुत सुचारू रूप से जिया, अपने कर्मों के ऊपर बहुत ध्यान दिया, लेकिन अब उनके कंधों पर युग परिवर्तन को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए दायित्व सौंपा जाएगा। किस प्रकार से दायित्व, अब जानिए। 2025 जैसा मैंने कहा, प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाएगा। 2024 में भी कम उठापटक नहीं मची, हर जगह युद्ध और युद्ध। मणिपुर में फिर से एक बार हिंसा देखने को मिली है, इम्फाल में 7 दिनों के लिए कर्फ्यू लग गया है, वो भी इनडेफिनेट टाइम, 7 दिनों के बाद आगे कंटिन्यू भी हो सकता है। जगह जगह हिंसाएं, आंदोलन, प्राकृतिक आपदाएं, लैंडस्लाइड, बाढ़ का खतरा, हर जगह आज बाढ़ इस तरह से, तूफान इस तरह से तबाही मचाया है 2024 में कि लोगों को याद रहेगा जिन्होंने इस त्रासदी को झेला है। तो बड़ी त्रासदी के समय 2025 में उन पवित्र आत्माओं को जिन्हें चुन लिया गया है ऑलरेडी, क्योंकि प्लानिंग पहले से तैयार है, लेकिन 2025 में एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें दायित्व सौंपा जाएगा। तन, मन और धन, जी हाँ, 3 रूपों में ये दायित्व सौंपा जाएगा। 3 रूपों के द्वारा सेवा उन्हें करनी है। तन से सेवा, यानी अचानक कोई घटना घटती है, आपको वहाँ से भागना नहीं है। उस समय जितने भी पीड़ित हैं, आप जितना हो सके उनकी मदद कीजिए। आपने देखा होगा, कभी ट्रेन एक्सीडेंट होता है, कहीं पर भूकंप आता है, कहीं लूटपाट की कोई घटना होती है, कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता है, तो लोग आगे बढ़कर हेल्प करते हैं,
भागते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग भाग खड़े होते हैं ताकि कानून के पचड़े में ना पड़ें। तो ऐसे समय में आपके आँखों के सामने होगी वो घटना जिसमें आपको अपनी तरफ से मदद करनी है उन पीड़ित परिवारों की, जो उस समय घटना के समय पीड़ित हो चुके होंगे। पहली बात, तन के द्वारा, मन के द्वारा अपने विचारों को पवित्र करते हुए सामने वाले के नेगेटिविटी को भी आपको दूर करना है। यानी आपके सामने यदि कोई नेगेटिव थॉट वाला इंसान आता है, उसको अपनी पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा इम्प्रेस करना है कि उसका नेगेटिव थॉट्स, उसकी नेगेटिविटी कुछ हद तक कम हो जाए। आगे उसकी मर्जी, लेकिन आपको मौका दिया जाएगा, आपको अपने कर्म की ओर ध्यान देना है। सामने वाला कितना बदल रहा है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, अपनी कोशिश आपको बरकरार रखनी है। और धन के द्वारा यदि कोई नीडी पर्सन आपके पास आता है किसी हेल्प के लिए, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नॉट नेसेसरी कि वो भिखारी है और आपने भिखारी को भीख में दान दे दिया, नहीं, कोई ऐसा नीडी पर्सन जो मजबूरी में किसी के सामने हेल्प मांग रहा है और आप कैपेबल हैं पैसे रुपयों से, तो उसकी मदद कर दीजिए बिना किसी चाहत के, स्वार्थ के या लालच के, निस्वार्थ भावना से। तो ये तन मन धन, इससे आपको दायित्व अपना निभाना है एवं इसके द्वारा अपने प्रति भी आपको दायित्व निभाना है। यानी अपने प्रति अपने कर्मों की ओर आपको ध्यान देना है, हमेशा अपने थॉट्स को सही रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा 2025 में, कभी शोला कभी शबनम। दुनिया इसी तरह से आगे बढ़ेगी, कभी एकदम लगेगा सब कुछ सही, कुछ भी गलत नहीं, और एक ही पल में लगेगा सब कुछ हो गया तबाह। तो अब बचे तो कैसे बचे? तो इस तरह की परिस्थितियों में खुद को स्टेबल रखने की सबसे पहली जिम्मेदारी उन आत्माओं की होगी जिन्हें चुन लिया जाएगा कल की सेना के सदस्य के रूप में, और उन्हें ये काम सौंपा जाएगा। एवं अब आगे, सनातन की रक्षा के लिए लगातार कार्य करना है। जो लोग सनातन के साथ जुड़े हैं उनके साथ आगे बढ़कर उनके कार्यों में अपना सहयोग देना है, और अगर कोई सनातन विरोधी वाणी बोलता है तो उन्हें फुल स्टॉप देना है या फिर वहाँ से हट जाना है। यानी सुनना ही नहीं है कि सनातन के विरोध में कौन क्या बोल रहा है। अपने आप बातें कान में आ जाएं, हम कान तो बंद कर नहीं सकते हैं, तो अपने आप कान में अगर बातें आ जाती तो अलग बात है, लेकिन हमारे सामने कोई कह रहा है तो हमें उन्हें सत्य सनातन का सच बतलाते हुए सनातन से उन्हें जोड़ने की कोशिश करनी है। अपने सामने यदि अन्याय होता हुआ देख रहे हैं तो गूंगे नहीं बने रहना है, बल्कि अपनी वाणी के द्वारा उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी उठानी है। तो कल की सेना के सदस्य बहुत एक्टिव रोल में रहेंगे 2025 में, क्योंकि 2025 से युग परिवर्तन का एक नया समय स्टार्ट होने जा रहा है, जो बहुत विध्वंसकारी है। लेकिन उनके लिए जिन्होंने आज तक खुद के ऊपर कोई कार्य नहीं किया, कभी भी अपने कर्मों की ओर ध्यान नहीं दिया, अगर सब कुछ करके भी इंसान पीड़ित है तो फिर ये ईश्वर की मर्जी, और जब ईश्वर चाहेंगे डेफिनेटली आपको भी हमको भी सभी भक्तों को पीड़ा मुक्त अवश्य करेंगे। भगवान कल्कि का मिशन इसी के लिए इस धरा पर चल रहा है ताकि हर पीड़ित को न्याय मिल सके। जिन्होंने आज तक न्याय की आस में पूरा जीवन गुजार दिया, उन्हें कहीं से भी न्याय नहीं मिला, अब उनके लिए न्याय का समय स्टार्ट होगा 2024 के एंड से ही, क्योंकि शनि देव अब मार्गीय हो चुके हैं। तो अब ये जो समय है 2025 के लिए, संकेत इसी ओर दे रहा है कि आने वाले समय में दायित्व को अच्छी तरह निभाना है, उसमें फेल नहीं होना है, क्योंकि जिस प्रकार भक्त अपने कार्यों को सही तरीके से करेंगे उसी प्रकार उनके भी कर्मों का हिसाब किताब
होता चला जाएगा। वही खाता खुल चुका है हर एक आत्मा का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।